बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बहुत ही बढ़िया बिरहा आप लोगन के उधर से सुने के मिलल मास्टर साहब, बड़ा बढ़िया बिरहा साथ ही साथ बड़ा बढ़िया धुन दर्ज के साथ। आजकल बाहरे जवाना कितना एडवांस है, हमने लोग ऐसा बैठल बनी कभी जी का करत हुई है कोई पता ना है। यही से लोग कहेलन कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कभी की खोज सबसे अलग होती है। मास्टर साहब आवा रानी हमके दीवाना बनवलू ना हो बार लाल सिमर जब चारू ओर नजर तो हाल लिखिए पे रही तो दीवाना तो बनवले करी। कभी की खोज होती है क्या लिख देंगे कोई अंदाज नहीं है। मास्टर शाह हम संकेत करत हुआ कोनो लड़की बड़ा गुस्सा में अपना यार के अपना मर्द के समझावे जैसे कि भाई आप लोगन के उधर से सुने के मिलल कोनो प्रेमी प्रेमिका से कहत कोनो आशिक मासुका से कहत कोई साधु सहवाइन से कहत
बारे साड़ू सड़वाई बताया ये बबू कोनो मेहरारू अपना मर्दा से कहे कि सुना जब देखा तब बाहरे मुंह मार के अवेला कि बाहरे मुंह मारे तो आर कब छुट्टी आखिर कब हो घरे ध्यान देबा कि ना देबा मर्दवा बड़ा सोच में पड़ल हो कि आखिर कहा कहा चाहत हूँ मेहरारुआ बड़ा गुस्सा में कहे का कहे मास्टर साहब यो क्या बात है गजब चढ़ल बजवानी के लहर के तनोखी आई बाकी होला ना यस आप आदरणीय गुरुजी कन्हैया लाल कवि जी आप जनकी पूरा की सरजमी से आप गुरुजी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्यार दुलार 51 रुपए का पुरस्कार चरण छुके पैलगी प्रेम आशीर्वाद के कामना सफियन से पैलगी प्रेम आशीर्वाद के कामना दुल्हनिया कहे गजब चढ़ल बजवानी के लहर के तनखी आई बती होला ना यस राजा काटा हार खोजे लहर दम लमहर खैबा का काटा हार हे भैया बतावल गए पहले ही हम बतौनी कि भोजपुरी के जमाना बड़ा एडवांस है एडवांस कैसन हो कौनो लड़की नाचे गावे पेट पालन करे एक दिन मालिक से कुछ बिगाड़ भयल मलिकवा कलस की आज के पैसा बिहन ने दिहल जाए लेकिन आप बड़ा समझावे मालिक हमहन के यह रोजी रोटी हो मालिक के समझ में ना आवे तब तक लेकिन आप समझावे का कहे हे हमारे मालिक हो हे हमारे साहब कभो बेली कभो पाप तू नचावला पैसा साधवाला कभो साटा के पैसा साधवाला कभो साटा के पैसा कभो बेली कभो पाप तू नचावला कभो साटा के पैसा साधवाला तनी दया करा ये है बोला हो ही जाई बवाल तोरा भगला हो बेटा हाल परम सद्धे परम सम्मानित आप बड़े भाई वीरेंद्र के पुभाश्री फूलचंद कनौजिया
कुरा की सरजमी से आप चचा जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये सुंदर पुष्पों से गुथा हुआ हार और साथ ही साथ 501 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार ताली चचा के लिए हो जानी चाहिए। कहना है ओ हो पॉप तू नचवाला कफ साटा के पैसा सधावाला तनी दाया कराये बोला कोई जाई बवाल तोरा भगला हो कहे बाड़े खिसिया ते पगला हो आव ठुमका आव ठुमका लगाओ चले तबला पाहे मनवा पाउर भैले हो मनवा पाउर भैले आई गईले बहना के अंगनवा मनवा पाउर भैले बाहुर भैले हो मनवा बाहुर भैले आई गईले मैना के अंगनवा मनवा बाहुर आप लोगों के उधर से सुनाई के मिलो मास्टर साहब एक लोग गीत बजा लो करा बाद इधरों से बिरहा के नंबर हो परम सत्य परम सम्मानित आप वासदेव के आप लड़का बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार आप बड़े भाई राम कैलाश आप चचा जी की ओर से बिरहा जगत में आप भी अपना एक अलग ही अंदाज छोड़ते हैं। बड़ा प्यार दुलार स्नेह एक छोटी बेटी के लिए 51 रुपए का पुरस्कार चरण छू के पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना सभ्यन से पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना। मास्टर साहब एक लोक गीत ले लो परम सिद्ध परम सम्मानित आप राम आधार यादव जी रेही की पवन सरजमी से आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए साथ ही साथ ढोलक मास्टर के लिए और हमारे तीनों सहयोगी के लिए
51 रुपए का पुरस्कार बार बार पहलगी प्रणाम आशीर्वाद के कामना सभी से पहलगी प्रणाम आशीर्वाद के कामना मास्टर साहब परम सदे परम सम्मानित आज के मलिकार आप बड़े भाई रोशन लाल यादव जी जिनके अच्छा रोशन लाल दिवाकर जी आप जिनके दरवाजे पर यह कार्यक्रम रखा गया दोनों पार्टी का बिरहा और साथ ही साथ तमाम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था और भंडारा के रूप में आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये सुंदर पुष्पों से गुथा हुआ हार और साथ ही साथ 201 रुपए का पुरस्कार बार बार पहलगी प्रणाम आशीर्वाद के कामना सभी से पहलगी प्रणाम आशीर्वाद के कामना अवा गांव घर में ही गीतिया के माता बहिन लोग शादी विवाह में बड़ा निमन गवेली कौना समय गवेली जौना समय बिटिया के सिंदूर दान होला सिंदूर दान के समय माता बहिन लोग बताया जाता है बाबू शादी विवाह में अक्सर लोग माई बहिन के दुल्हा के गाड़ी ज्यादा गवेली सिंदूर दान के समय कुछ माई बहिन लोग गावे कैसे गावे मास्टर साहब सिंधुरवा ये दुल्हे धीरे से डाला लेकिन कबीर जी कलम को उठा करके लोकगीत की लेखनी में लिखते हैं क्या लिखते हैं ओहो पीतल समैया बुढ़ाई आयल बताया गया हमरे
बहुत मारो। बताया गया बाबू, हमारे ही आपके ही समाज के रहने वाला एक गरीब खानदान से व्यक्ति विलोम करता था, काहे के लिए करता था, जैसे उधर बताया गया, एक बच्चे के लिए तड़प रहे थे, वो भी सारे देवता लोग बताए कि पत्रा में लड़का है ये ना। वैसे ही एक लड़का के खातिर माई गरीब खानदान से वो व्यक्ति तड़प रहा है। समय बीतता गया, 4 वर्ष 5 वर्ष यहाँ तक कि 25 वर्ष तक हो गया, शादी हुए लेकिन घर में कोनो संतान ना है। जे केहू गांव घर के लोग देखे ये बाबू माई दादी लोग ताना मारे बांझिन के मोह देखल बाबू, देख के दुल्हन खरवा के अंदर कह के रोवे, रो के कहे कि ये विधाता सब के तू संतान देला लेकिन हमार खोद कहे खली कैले हुआ। रो करके बाबू वो माई रात दिन पूजा करती है, हे महादेव मेरे गोद में भी एक संतान अब दे दीजिए। लेकिन समय बीतता गया बाबू, कोई संतान नहीं होता। एक दिन वो व्यक्ति जाता है महादेव के मंदिर में, पूजा करता है, माथा टेकता है, हे महादेव जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे तब तक मैं आपका मंदिर छोड़ तक घर तक नहीं जाऊंगा। रोता है, जैसे ही रोता है बाबू होता क्या है, कहना है समय बीतता गया, क्या बीतले समैया भैया को दिया में ये को लाल ना खेलिया, को दिया में ये को लाल ना होइया, को दिया में ये को लाल ना होइया, क्या बात है जमाने बुढ़िया, को दिया में ये को लाल ना खेलिया, सम्मानित आप बड़े भाई वीरेंद्र के आप मामा श्री अशोक अलमापुर की पवन सरजमी से आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद रूपी 51 रुपए का पुरस्कार साथ ही साथ आप बड़े भाई इंद्रजीत दिवाकर सुरवल की सरजमी से आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए का पुरस्कार। बार बार पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना, सब भैया से पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना। बताया गया बाबू गोद में कोई नहीं है, जैसे ही वो बेटा रात से बैठा बैठा सुबह हो गया, सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई, कोई दरबार उस दर को छोड़कर वो तनिक भी हटता नहीं, कहता है या तो आप मुझे बेटा देंगे या बेटी देंगे, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। छा करके बाबू शिवजी भी घबराए लगलन, बारे शिव शंकर जी के लीला वही जगह देखला ने बाबू, एक बड़ी छड़ी पड़ल है, वही छड़िया पे नजर गयवा सोचलस की छड़ी लेके जाई भी आज बहुत गुस्सा में, या तो आज मरब या तो मेहरारू के मारिए दे, और लेके ये बाबू जैसे छड़ी हथवा में ले लो शिव जी के महिमा अपार है, का अपार है कहना है। वो
वही मंदिरिया में छड़ी एक देखा रे, वही मंदिरिया में छड़ी एक देखा रे, वही मंदिरिया में छड़ी एक देखा रे। लेकर के छड़ी बाबू घरे के पराने, फाइल बिगाड़, फाइल बिगाड़ दुल्हन नहीं हर के जवैया, फाइल बिगाड़ दुल्हन नहीं हर के जवैया, गोदिया में ये गुलाल ना खेलिया, गोदिया में ये गुलाल ना। हे बाबू, बताया गया गांव घर के ताना सुनत सुनत दुल्हनिया के पेट भर गया, उब के दुल्हन मर्दा से झगड़ा कैली और झगड़ा करके नैहरे पहुंच गई, और जैसे नैहरे पहुंचल पीछे पीछे ओकर आदमी वो पहुंच गई, और पहुंचल वह छड़ी लेके, और जब छड़ी लेके गयो तो कलश की इनके विदा कर, और नहीं तो जैसे आई लही मरते लेके जाई। बतिया सुन के सासू माई कहली का हो मेहमान, अब वही तक बड़ा प्यार से रखत रहला, अब कौन बिगाड़ भेल, आखिर काहे बदे मरबा जाए के। ये बाबू मर्दवा दुल्हनिया के एक छड़ी वही जमाए दिलस, और जैसे ही एक छड़ी जमौलस तब तक दुल्हनिया के पेट कुछ भारी लगे लगल, और जब भारी लगल सासू माई आई के कहली की बतावा कैसे मरबा, हमारे रहते हुए कैसे मरबा। जैसे दमाद के हथवा पकड़ के ही चली तब तक एक छड़ी सासू के भी पड़ गई, और जब सासू के पड़ल तो सासू लगली ऐठे गोइठे, जब ऐठे गोइठे लगली ए बाबू तो बतावल गई दुल्हन के लेके ओइजा नाराजगी भयल, लेके दुल्हन के मर्दवा घरे आयल, और जब घरे आयल धीरे धीरे समय बीतत ना है, बड़ा उपियावन हो कि आखिर रेखा ये की कैसन हो गए, अब उधर सासू के पेट फूलत चले अवत हो, और इधर दुल्हनियों के पेट फूले लगल, तब तक ससुर जी अलन कलन का हो मेहमान, ये बतावा कि तू बिटिया के हमारे पेट तो फुलाइए दिला, हमारा मेरे रुआ के काये बदे फुला दिला। तब तक गुस्सा में आए के मर्दवा कलस भाग जाना, एक क्षणी मारब तो वह तो सुधरिए जब, और तब तक ये बाबू बातें बात में बुढ़ऊ के एक छड़ी जमाइए देना, और जैसे जमावलन तब तक सब उल्टे सीधा होए लगल, जेके जेके छड़ी लगे बतावल गई कि प्रेग्नेंट लोग होके लगल। अच्छा ये बतावा, जब मेरा रू प्रेग्नेंट होली तो बरी हो जली, तो मर्दन के कौन प्रेग्नेंट में बरी होलन, भगल हुआ एकदम, बतावल गई बाबू। बतिया के सुन के जाए के मर्दवा उछड़ीवा के घरवा में रख दले, तब तक लोग जाए के गांव घर में जब झगड़ा होए तो उठाए के छड़ीवे से जमा हुए, जाए के कुछ लोग भाई यार दर्ज करौलन दरोगा जी अलन, और जब दरोगा जी अलन बाबू बतिये बोल रहे का बोलतल बतिया कहना है। बहु चल खबर तब दरोहा गई ले आई, बहु चल खबर तब दरोहा बहु आई, घरवा के बिटिया पानी दी पिलाई, we
गोड़ भारी देह पिय रैया गोधिया में केहू लाल लाल लैया गोधिया में केहू लइकवा के पता चलल कि पुलिस में जाए के केहू थाने पर हमरा नाम से एफआईआर दर्ज कइले हो तब तक छड़ीवा ले जाके बाबू उ लइकवा कोनो घरवा के बगलिए कुआं वही कुआने में डाल देलस और जैसे कुआना में डललस तब तक गर्मी के महीना दरोगा जी हाफत हाफत अइलन खटिया पे बैठाए देले लोग बैठा साहब बैठा सारी दास्तान बतावल जाए तब तक वही पिछवा में से एक दुल्हन कहली कि जा ले आके कम से कम दरोगा जी के पनिया पिया दा गर्मी में एकदम हाफत हुआ और जाए के बाबू वही बगलिए के एक बिटिया उठल जाए के कुना से पनिया हींच के लिया के गिलासी में भर के दरोगा जी के पकड़ाई दिली दरोगा जी गर्मी के मौसम है एक गिलास पीलन और जैसे एक गिलास पी लेलन तब तक सोचलन कि पेटवा कैसन लगत हो लगलन टोवे टटो है और जब टोवे लगलन बाबू तब तक बिटिया ले ले साहब और पीबा कहलन कि बड़ा गर्मी है एक गिलास दे दे तो बढ़िया हो और जैसे एक गिलास पनिया और पी ली ये बाबू तब तक अठवा महीना चलेगा और जब अठवा महीना चले लगल पिटीवा कहलस कि साहब और पानी दे कहली कि नहीं अब पानी ना चाहिए देखा तो पेट एकदम भरल जाता है आखिर कैसन हो तो पूर हो जाए बतावल गई बाबू चाय के लोग पूछत हुए कहाँ गए आखिर छड़ी लेके वो कहाँ गए जो ना डंडवा से मारत हो दरोगा जी कलन की कौन वही छड़ी में आए बह ऐसा करो पूछे लगलन कलन की साहब वही कुआना में छड़ीवा पड़ल है छड़ी निकलवलन बाबू और छड़ी निकलवा के कुआना के भटाए दिलन और जब कुआं भटाए दिलन इधर जाए के डंडवा उ जौन छड़ीवा रहल दरोगा जी कलन की लगाए दयागी भर जाए और ना ही तो ये जवन जवन लोग इस छड़ी के छुअल रही है सब प्रेगनेंट हुई हैं और जाए के भैया जैसे यज्ञिया लगावे तब तक रखिया ले जाके दूसरा कुआं में डाल दिली और जब रखिया दूसरा कुआं में पड़ल बतिये पलट गई का बात पलटल हो कहना कौआ के लोगवा सब भइल लास तकिया कौआ के लोगवा सब के समझ में ना आवे ना ही कवनो बतिया केहू के समझ में ना ही आवे कौन बतिया बताया गया वहां पर आज भी वो गांव जाकर के लोग शिव के मंदिर पर फिर से जाते हैं आप जैसे मालिक एक छड़ी वरदान के रूप में दिए थे आप वैसे ही बच्चों की गलती को माफ करें और ये जो लोग एकदम बीमार होते हुए कुआं के पानी पी के छड़ी के मार खाए के ये आपे सुधार पैबा तब तक शिव जी कलन की सुना जे जैसे कच्चा पक्का खैले हो वैसे कच्चा पक्का पैदा हो जाई ओकरा बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बदलत रही और ये बात कहाँ के है आज भी प्रमाण है का प्रमाण है कहना है नेपाल में बदल लिबा नेपाल
है बाबू, जा करके आज भी जो चचा दादा लोग तमाम लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, देखते हैं आज वही शिव जी के वरदान हो, जे जे लोग डंडवा से मार खेले हो, कुना के पनिया पियले हो, वो लोग जैसे कच्चा पक्का लोग रलन, जे जैसे रहल वैसे पैदा हो गए। आज भी प्रमाण है नेपाल के हर लोग एक ही चेहरे के होते हैं। इस घटना नेपाल के हो। अच्छा पी के सबके उलस्ट किया बनी है नहीं भैया, जे के उसे या सावधानी से जइया, का मालूम नजर हटे दुर्घटना घटे। बताया गया नेपाल में आज भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती आ रही है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं सब एक चेहरे के रहते हैं, चाहे बिटिया हो चाहे बिटवा हो, सब एक ही जैसन रही है, अलगे देख के पहचान हो जाए कि लोग नेपाल से आए हुए। लास्ट में कहना है गुरु घराना के परचे क्या गुरुवर बिहारी पत्तू अमर बा कहानी, गुरुवर बिहारी पत्तू अमर बा कहानी, शंकर जी के तो है सजानी, गंगा जय शंकर जी के सीमा शर्मा को है दर्द ना सहिया, सीमा शर्मा कहे अब ये दर्द ना सहिया, गोदिया में ये को लाल ना खेले साहब। का मूड हो का होई के चाहिए, अच्छा अब बिरहा की ओर चले जाए, बिरहा क्या बात है, सब लोगों की फरमाइश है, समझ में ना आया हो तो चचा वहां से का बोलत हो, क्या बात है, जरूर आप लोगन के पसंद है। अच्छा ये बतावा बिरहा जब सब लोगन के सुने के इच्छा हो तो ऐसा कुछ बिरहा सुनावे जाए जो आप लोगन के शरीर में उमंग भी आवे आंख में आंसू भी आ जाए, सही है ना। सवेरे उंघाऊ लग जाए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताया गया बाबू, बैठिए बैठिए जो चाहेंगे वही होगा, परेशान मत होइए, बताया गया मास्टर साहब। Oh,
लोगन के बीच में चटनी अचार मिलत रही तब मन लगी, नहीं तो रात भर जागे के केहू खाली ना। मास्टर साहब के संकेत हो, का संकेत हो कोनो दुलहिन बतावे। ओहो बढ़िया दिया हवे पिया के प्यारी काले, बढ़िया दिया हवे पिया के प्यारी काले, रतिया तो रतिया पहाड़ दिन न भाई, रतिया तो रतिया पहाड़ दिन न भाई, दिया हवे पिया के प्यारी काई, रतिया तो रतिया पहाड़ दिन भाई, का कही हमरा करे जगारी गारी के, का कही हमरा करे जगारी गारी के, दिलवा ले गई ले यो, दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भरी के, परम सिद्धे परम सम्मानित आप बड़े भाई राधे श्याम दिवाकर जी, आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए का पुरस्कार, बार बार पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना कहना है क्या बतावे दिल के दर्द का। शरद में गावना करा वाला बेदर्दी, शरद में गावना करा वाला बेदर्दी, शरद में गावना करा वाला बेदर्दी, छूटल रहे ना गवहनवा के हरदी, छूटल रहे ना चार दिन रहल मान रह गईल हार के, चार दिन रहल मान रह गईल हार के, दिलवा ले गईले यो, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भरी के, दिलवा ले गईले राजा समाजी गीते हैं जो लोग सुन सकते हैं और गा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे कवियों को जे अच्छा लिख ले हुआ उनको बार बार चरण छू के आशीर्वाद का कामना उनसे करती हूँ, लेकिन कुछ गीत ऐसे नहीं आई हूँ जवन आप लोग सुनत हुआ माथे से शुरुआत हुई शरीर के पैर तक पहुंच गई। बाहर जवाना तेरी हद हो गई, बाहर जवाना तेरी हद हो गई, गर्मी आई ठंडी बंद हो गई क्या चाहत हुआ हम बताइला कि बाहर जवाना तेरी हद हो गई, भोजपुरी के आगे हिंदी रद्द हो गई। आजकल बाहर कभी कैसे कभी हैं लिखते हैं, पहले शुरुआत भयल कहां से
क्या बात है? पहले गाना आयो हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बादी गजरवा हो गई ले। वो करे बात तनी और नीचे आवा, और नीचे के मतलब कहना है का लीलरवा में लीलरवा हो मार लीलरवा पेटिकू लिमारे लीजान। वो करे नीचे आवा, वो करे नीचे का बज थो मास्टर साहब का बज तू जाना थो, तू जाना थो हमके विश्वास का बजल मास्टर साहब आवा। वो करे बात एक दो तीसरे पे आयल का नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे। वो करे बाद और नीचे आवा, अब आजकल बजो थो जातड़ परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़ के जातड़ परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़ के तनी जाए से पहले खाना उठ लाली से रोटी बोरी के बाहर कभी ये कहाँ तक आयल उठ लाली तक। वो करे नीचे आवा का हो मास्टर साहब ऐसे ना लाए कभी बदतमीज कभी हमारे देश में पड़े हुए हैं क्या? एक नारी की इज्जत आबरू पर गीत को लिखा करते हैं क्या? चोलिए में ये टकल परान ये रानी तोहरे चोलिए में ये टकल परान बाहर कभी ये बतावा जब परान वही में अटकल तो जियत काहे बदे वो मर जाता ससुर तो वहां लोगन के मरबे ठीक हो लेकिन ओकरे नीचे का भयल कहना बताया गया ऊपर के 32 नीचे के 36 पिछले के 24 बुझाता कि ना बतावा ये गोरी हमारा गन्ना के रस। अब तू लोग आगे जनते हो वो करा बात लास्ट में लहंगा में आई गए लहंगा में घुसल बा हजाम छुरा कैंची लेके बारे बदतमीज ना लाए कभी ऐसे कभी को तो तुरंत पाए और तुरंत जूता मारे। एक आपके घर में भी बेटी है बहन है किसी लड़की की अबरू इज्जत को आप कलम पर ले लिए हैं ज्यादा टाइम ना लेके कहना है क्या? जहरू चढ़ी जाला हो तब के हुओ के नियत बिगड़ी जाला हो छली चिखना के काम है घुघुनिया पर घुघुनिया पर नोट पर से लतोहरा नथुनिया पर नोट पर से लतोहरा नथुनिया पर जब हिलावे लू कमर हरमोनिया पर
ज्यादा टाइम न लेके मास्टर साहब विराह के स्वर दे के आवा देश में ऐसी कहानी जो आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। कभी की खोज किसी पीड़ित परिवार का दर्द कलम में लिखते हैं। विराह का शीर्षक बताया गया पाल का लाल पाकिस्तान। कैसे यही पाकिस्तान मेरे हर दिन न जाने कितनी बहनों के राखी कलाई को सुनी करते हैं, भाभियों की मांग सुनी करते हैं, माताओं की गोद सुनी करते हैं, कवि जी लेखनी करते हैं। मास्टर साहब भूमिका के भाव है। केरे जर्रे जर्रे से आवाज आने लगे कि अब रहेंगे नहीं मेरे घर में हराम, मुर्द फीसर कफन से उठाने लगे, हम करेंगे नहीं दुश्मनों की गुलाम, आया मौत के घर में भिजीना जिसे क्या मौत भी डरती है अब सदा उसके डर से, जाके आगे लगा दो मेरे लाल तो उठे धुआ पाकिस्तान के हर शहर से। बताया गया बाबू कहानी पर आप लोग गौर करेंगे, जर्रे जर्रे से आवाज आने लगी अब रहेंगे नहीं मेरे घर में हरामी, मुर्दे भी सर कफन से उठाने लगे, हम करेंगे नहीं दुश्मनों की गुलामी, आया मौत के घर में भी जीना जिसे मौत भी कांपती है सदा उसके डर से, जाके आग लगा दो मेरे लाल तुम उठे धुआं पाकिस्तान के हर शहर से। कहानी मैं कभी जी कवाली के भाव दे लो तो मास्टर साहब हवा आपस में बैठ के निमंत्रण बांटे, कल हमारा घर में निमंत्रण हो बांटे, कैसे का है आज पीने की दावत है यारो, आज पीने की दावत है यारो, चांद पर
झुलपो उनकी झुलपो के साये में रह के ऐसे से जिंदगी भर ये भाव में कहना है क्या मेरे देश का बच्चा बच्चा पुकारता है क्या पुकारता है कहना है क्या तेरी औकात तेरी औकात क्या है रे गेदर मेरे देश का हर एक लाल डांट के पुकार के कहता है उन पाकिस्तानियों से तेरी औकात क्या है रे गेदड़ शेर को आज मार चला जा अभी मेरे घर से बस इसीलिए बाबू तेरी औकात क्या है रे गीदड़ शेर को आज माने चला है जा चला जा अभी मेरे घर से बस इसी में तुम्हारी भला है मेरे देश का लाल ठाट के कहता है उन पाकिस्तानियों से लेकिन कहानी के तरह कहां के है यही से गीत के शुरुआत भैया केकर कहानी है कहां के हम साहब जौहरी में कहना है जो काम वतन के आए हंस हंस के लुटा दे जवाने इतिहास के हर पन्नों पे है उनकी दर्ज कहानी गाजीपुर जिला के अंदर है कहमल गांव जवाना महेंद्र पाल की बखरी जो वही का रहने वाला शारदा मां के आंचल में जन्मा एक वीर तूफानी सुरेश पाल था पट्टा बहन चनवा वहलाने थोड़े के विचार है नहीं शंकर जी ढोलो ना मिली दिमाग ना लगावा सोटा है नहीं के लगाई बताया गया बाबू जो काम वतन के आए हंस हंस के लुटा दे जवाने इतिहास के हर पन्नों पे है उनकी दर्ज कहानी काजीपुर जिला के अंदर है कहमल गांव जो वाला महेंद्र पाल की बकरी जो वही का रहने वाला गाजीपुर जिला के अंतर्गत जो चाचा दादा भाई लोग गए होंगे वही गाजीपुर जिला से लगा हुआ एक गहमल गांव है वही गहमल गांव के रहे वाला महेंद्र पाल दुल्हन शारदा के साथ में गुजारा करत हुआ गरीबी में भगवान दुगे औलाद देले हुआ एगो बेटा और एगो बेटी बेटा के नाम सुरेश बतावल गई और बेटी के नाम चंदा बतावल गई बताया गया बाबू समय बीतता गया बेटा के बचपन के सपना कि
कि हम बड़ हो के फौजी जवान बनब, जा करके परम सत्य परम सम्मानित आप बिरहा के बहुत ही सुंदर कलाकार अमृतलाल बूंदा की सरजमी से रामदेव अखाड़े से आप बहुत ही अच्छा अमृतलाल रामहित अखाड़ा बूंदा की सरजमी से आप चचा जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए का पुरस्कार बार बार पहल की प्राम आशीर्वाद के कामना साथ ही साथ आप बड़े भाई अखिलेश कुमार आलमपुर की पावन सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार बार बार पहल की प्राम आशीर्वाद के कामना सभ्यन से पहल की प्राम आशीर्वाद के कामना बताया गया बाबू बेटा धीरे धीरे सयान होता है मई बाबू मेहनत मजदूरी करके लड़का के पढ़ावत हो लड़का जब सयान भय जा करके 1992 ईस्वी में वो बेटा मलेट्री का फॉर्म भर देता है मई बाबू के चोरी में मलेट्री के फॉर्म भर देलन जा करके साइट अच्छी थी बाबू वो मलेट्री में पास हो जाता है और जैसे मलेट्री में पास भइलन केहू से बतैलन नहीं एक महीना के लिए ट्रेनिंग पे चल गइलन और जब ट्रेनिंग पे गइलन मास्टर साहब गीत बदल गए सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुभेली कमरिया में 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 लंबे कसी लंबे कसी मजा भी गर्मिया लेकिन बताया गया बाबू बेटा ट्रेनिंग से वापस आता है मई के आंख में आंसू है आंसू का ये बदे है कि हमारे लाल केहू से बतैलन ना इतना दिन कहाँ रहलन माई अपना बेटा से पूछे का पूछे मास्टर साहब बीतल ट्रेनिंग हम आईली अपने बखरिया में अपने बखरिया में बाबू कहे माई कहे बाबू कहे दागे लागे ना बगड़िया में बाबू कहे दागे लागे कहेली सुरेश के माई आंसू भरी के नजरिया में कहेली सुरेश के कहेली सुरेश के माई आंसू भरी के नजरिया में बाबू कहे माई कहे बाबू कहे लागे लागे ना पगड़िया में बाबू कहे बताया गया बाबू जैसे बेटा ट्रेनिंग से वापस आये 2-3 दिन बीतल हो तब तक बॉर्डर से फोन आता है सुरेश आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है बॉर्डर पर हमारे बगल मुल्क के पाकिस्तानी लोग आतंकी हमला करने वाले हैं आपको
तुरंत घर से निकलना होगा। फोनवा उठा के सुरेश कलस की साहब अब तू ये तीन दिन ना भइल साहब कलन की सुरेश हमारा देश जिस दिन तुम्हें फौज में भर्ती किया गया था क्या कहा गया था। सुरेश कलस की साहब अब थी पैग उठा करके बेटा चलस माई हाथ जोड़ के सामनवा खड़ी हो गई। बाहर बेटा वापस आईला हम ना पूछनी लाल तू कहाँ रहला लेकिन कम से कम ही बता दा कि अब तू जात कहाँ हुआ। बेटा कुछ बोलता नहीं बाबू तब तक बाबू कलन की लाल सब कुछ करिया बेटा लेकिन कबो हमरा पगड़ी पे आँच मत आवे दिया काहे कि माई बाबू के मान मर्यादा लड़का के हाथ में होला लाल। बतिया के सुन के सुरेश बैगवा लेके आगे की ओर बढ़लन तब तक बहिनी हथवे पकड़ ले लिए भैया का माई बाबू तो के ये दिन देखे बदे पैदा कैले रहलन कितना दिल के बात भी ना बतावा। तब जा करके वो भाई कहता है कि बहन माई बाबू के चोरी में हम मिलिट्री के फॉर्म भर ले रहनी हमार मिलिट्री में आज ज्वाइनिंग हो। अब ही फोन आई रहे साहब बोलत रहलन कि अगर ना आई देश पे लोग आतंकी हमला करने वाले हैं। बतिया के सुन के माई बाबू भीगी आंख से विदा कैलन और जैसे विदा कैलन बाबू भयल माई रोवे रो के कहलस कि ये बेटा तू सयान हो गईला धीरे धीरे बहनियों सयान होत बिया दिल के इच्छा कि तुहार शादी कर दई घर में केहू रोजी रोटी संभारे वाला हो जाई ते बहनियों के शादी कर दिहल जाई। बेटा कहता है कि बाबू को भेज के कहीं रिश्ता तय कर देना माँ शादी के पहले ही चार छह दिन आके हम शादी के सारी तैयारी कर ले। और जब शादी के तैयारी माई बाबू 15 जून के दिन रखते हैं जब शादी के डेट पड़ल हो आता है वो बेटा शादी विवाह होने लगता है। प्रतिमा नाम के लड़की के संगे सुरेश की शादी होने लगी और जब शादी होने लगी मास्टर साहब गीत बदल गए परम सद्धे परम सम्मानित आप छंगूपाल अच्छा भैया इमजपुर लिख ले हुआ कुछ और लिख ले हुआ जे लिख ले सही से स्पष्ट समझ में ना आए वो तो आप मखनपुर गांव भकन मलिकल भैया मखनपुर की सरजमी से आप बड़े भाई आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 21 रुपए का पुरस्कार बार बार पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना। बताया गया बाबू जब शादी विवाह होके लगल माता बहन लोग गांव घर में गीत गवनई गावे आज भी हमारे गांव घर में माता बहन लोग मड़वे के नीचे गाती हैं। कोई बेटी अपने पिता से फरियाद करती है क्या फरियाद करती है क्या बात है
क्या बाबू, बिरहा में यही लोग गया करते हैं। माई काहे की बेटी नियरे बियाह बई हो, माई बाबू प्रतिमा के साथ में जब शादी होती है सुरेश की, तब लोग कहते हैं क्या बहुत अच्छे, हंसी खुशी ब्याह भइले प्रतिमा गुजरिया से, हंसी खुशी ब्याह भइले प्रतिमा गुजरिया से, उन्हू के बाढ़ल परी वारा हो, साधना समय बीतता गया। प्रतिमा के गोद में दुगो बिटिया के जन्म भेल, बिटिया के बड़ी बेटी के नाम दिव्यांशी, छोटी बेटी के नाम साधना बतबल गई। समय बीते लगल, इधर मई गली की लाल अब बहनी के सदिया कर देता, बुढ़ापा के बोझ कम हो जाए। बेटा फिर से बाबू से कलस की बहनी के रिश्ता कहीं तय कर देना, बहनी एकलौती आखी के तारा हमार बहनी बड़ी, बहनी के शादी में बड़ा बढ़िया से व्यवस्था की जाए। बतिया के सुन के जब मई बाबू शादी के डेट रखौलन, बाबू इधर शादी के डेट पड़ल हो, और जब शादी के डेटवा पड़ल, एक दिन दो दिन शादी बचल हो, तब जाके सुरेश हाथ जोड़ के साहब से कहलस कि साहब दो तीन दिन बदे हमके छुट्टी चाहिए। साहब डांट के कहते हैं काहे के लिए छुट्टी चाहिए, कहलस कि साहब कलवे घरवा में बहनी के बराते आई, आखी के तारा ये कही बहनी बड़ी साहब सोचनी है कि बहनी के सदिया में चल देती, साल भर करीब हो गेल घरे ना गईनी साहब। साहब डांट के कहते हैं भूल गए सुरेश, जिस दिन तुम्हें फौज में भर्ती किया गया था, गीता पर हाथ रखवा के तुमसे शपथ दिलाई गई थी, अगर तुम्हारे परिवार में कोई मर भी जाएगा तो पहले तुम्हारे लिए देश रहेगा, दूसरे स्थान पर तुम्हारे लिए परिवार रहेगा। भूल गए वो दिन सुरेश के लस के नहीं साहब, वो दिन बा के ना भूलनी, लेकिन बहनी के ममता साहब सोचनी है कि बहनी किस दिया में चल जाती।
हथिया के सुन के साहब छुट्टी नहीं देते, जाके भाई बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है बहनी के बिहन ने जोना दिन पर रात या वो तो ये बाबू वही दिनवा भाई बॉर्डर पर लड़ाई लड़े। और जब लड़ाई लड़े मास्टर साहब भैयल का कहना है तिरंगा भैल तन के उड़ना गोली बंदूक जेकर दिन रात गोली बंदूक जेकर दिन रात गहना तिरंगा भइल तन के ओढ़ना। इधर दुगरा पे बरात या वो तो ये बाबू भाई के बॉर्डर पर गोली लगल। और गोली कैसे लगल बताया जाता है मेरे हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान हमेशा गद्दारी करता है। वही पाकिस्तानी लोग जा करके बाबू देखते हैं 25 पाकिस्तानियों को मेरे देश का जवान मारता है, नजर गड़ा लेते हैं। एक पाकिस्तानी बाबू चोरी से लड़ाई के दौरान सब आगे की ओर बढ़त हुआ और तब तक पीछे से एक पाकिस्तान का जवान आता है हिंदुस्तान के जवान के मुंह को दाब कर बाबू पाकिस्तान के अंदर खींच ले जाता है, खींच के ले जाता है, वही पाकिस्तान में बंदी बना लेता है और बंदी बनाए के कपड़वा उतार के पहन के ये बाबू हिंदुस्तान के सैनिक में मिल गए। लड़ाई के दौरान केहू ध्यान ना देत बा तब तक उहे पाकिस्तानी सुरेश के ऊपर गोलियां चलाइए ना देलस, सीना में गोली लगलो कोई बॉर्डर पर सुरेश तड़पत बा। साहब दौड़ के गईला ने सुरेश तो के कुछ ना होई। सुरेश गलत किए साहब ये बात के तकलीफ ना है साहब कि सीना में गोली लगल, तकलीफ तो ये बात के है साहब आज घरवा में बहनी के बरात आई आगी के तारा ये कलौती बहन रली है साहब अपना बहनी के कन्यादान तक ना कबूनी। एक काम करिया साहब हम तो ना पहुंचनी लेकिन आप लोग हमरा बहनी के आशीर्वाद देवे बदे भाई के रूप में चल जाइया साहब बाहर। वो साहब बतिया के पकड़ के सिरवा पकड़ के गोदिया में ले लेलन। तब तक बाबू वो मेरे देश का जवान भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय कहते हुए अपनी दम को तोड़ देता है। और जैसे दम के तोड़लन बाबू भैयल का पापन में कहना है जाई हमारे भाई हो। बताया गया बाबू जा करके वो परिवार शादी के खुशी में जुटा है किसी को मालूम नहीं है बॉर्डर पर हो क्या रहा है। सारे लोग आसरा लगा के बैठे हैं कि मेरा भाई आएगा मेरा बेटा आएगा, लेकिन जैसे द्वारा पे बारात सजल ये बाबू इधर बरात आवे के तैयारी दुलहिन रोवे प्रतिभा दुलहिन रोके अपना सासु माई से समझावे का कहे कयो रिसा गुना ये कयो री भैले अब सगुना वाले भैया ये कयो रे पारो ये कयो रे भैले अब सगुना वाले भैया ये कयो रे पारो ये कयो रे भैले अब सगुना
जब बिधाता कातुली काला लीला जब बिधाता राहत आई न दुआरा ये भैया दाई के समय आए भैया भोरवे में भैल जलवे दाई के समय आए भैया भोरवे में भैल जलवे दाई के समय आए भैया तू वाला पे आए कुछ माले टीके जावा तू वाला पे राम लखन दिवाकर मकौपुर की पावन सरजमी से आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप बात को समझते हुए 101 रुपए का पुरस्कार बार बार पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना सब भैयन से पहलगी प्राम आशीर्वाद के कामना बताया गया बाबू इधर बहनी के बारात आयल शादी हंसी खुशी से बीत गयल जब भोर में विदाई के समय भयल ये बाबू पे कुछ मिलिट्री के जवान एलन सुरेश पाल महेंद्र पाल के मकानी आप लोग जानत हुआ मई जानत हूँ ए चचा सुरेश के घर बता सकत हुआ तब तक बाबू गांव के लोग एकदम चकित हो जाते हैं कि आखिर सुरेश कोनो घटना त नहीं कह दिलस आखिर कैसन बात हो जवन ई फौजी जवान लोग आ गेलन दुआरे लेकिन भाई सुरेश नहीं आयल लोग कहलन की ऐसा बात का है आखिर आज सुरेश के बहनी के विदाई के समय है सुरेश घरे नहीं आयल सुरेश कोनो गलती कर देलस का साहब लोग कुछ बोलते नहीं बाबू जा करके पूरी फौज ताबूत को सजा करके दरवाजे तक जाती है और जैसे दरवाजे पर बारात उधर विदाई के समय है इधर द्वारा पे ताबूत पहुंचल बाबू गांव घर के लोग जाके कलन है सुरेश के माई तू जानत हो सुरेश तो नहीं आई लन लेकिन बॉर्डर से कुछ जवान आई लोन आखिर कहां बात है बतिया के सुन के सुरेश के माई भी तरह से बुढ़ापा अवस्था में दौड़ के आईली ए साहब साहब तू लोग तो आ गईला साहब लेकिन हमार लाल नहीं आई लन बारे माई के ममता माई के यातिमा तड़पे लगल हमार लाल नहीं आइल साहब आखिर कहाँ हुए न हमार लाल बाहर साहब सिर नीचे की ओर नवा लेते हैं तब तक माई के नजर चारों ओर दौड़त बा शायद हमार बेटा कहीं यही भिड़िए में होके माई देखली पिछवा लोग कंधा पे का ले ले हुए जाई के माई गली है साहब जो लोग ताबूत को लिए थे पैर पकड़ लेती है साहब इकनवा पे का ले ले हुआ साहब लोग ताबूत को उतारते हैं बाबू बेहोशी हालत में माँ गिर जाती है बार लाल वादा करके गए थे कि माँ तेरे बुढ़ापा का सहारा बनूंगा बहन तक खबर जाती है फेंक देती है बहन चुनरी बाहर भैया वादा किए थे कि रक्षा बंधन के दिन मैं कहीं भी रहूंगा लेकिन तुझसे राखी बंधवाने जरूर आऊंगा भूल गईला साहब ताबूतवा के पकड़ के बुढ़ापा बाप भी होशी हालत में
दुल्हन प्रतिमा रोती है, नन्ही सी जान वो दोनों बेटियां रोती है, ये पापा सबके पापा सब बच्चन की टॉफी चॉकलेट दी है हमके के दे ये पापा। लेकिन पार साहब वो लोग शांति बनवाते हैं, जो हुआ आपका बेटा मरा नहीं बल्कि आपका बेटा अमर हो गया है। मार रो के कहती है ये साहब आप लोग कहा करते हैं, मेरे देश का घर का कोई भी बेटा जाता है आप लोग एक इंच भी कम नहीं लेते साहब, तो मैं अपने बेटे की आदि शरीर कैसे ले लूं, कैसे ले लूं ये साहब। साहब की आंख से आंसू गिरता है, माँ आपका बेटा ना कि आपके लिए पूरी दुनिया के लिए एक बेटा ही था। जा करके बाबू लोग ताबूत को सजा करके गंगा घाट तक जाने का काम करते हैं, तब तक दोनों बिटिया अगवा आए के कली कि ये साहब हमरा भाई तो ना हुन लेकिन हमार पापा हमान लोगन के जन्म देले हुन, हम अपना पापा के दाह संस्कार कर ले साहब। तब तक बाबू लोग गंगा घाट तक साथ में जाते हैं, जैसे चिता में आग लगाते हैं कहा जाता है। ये ज्यादातर देहात में हमारे गांव घर में लोग कहा करते हैं कि बेटा नहीं रहेगा तो माँ बाप का पिंडा कौन पारेगा। बाहर अंधविश्वास में जीने वाली ये दुनिया, उसी कोख से बेटा जन्म लेता है और उसी कोख से बेटी जन्म लेती है, लेकिन बेटी से वो अधिकार छीन लिया गया कि वो अपने माँ बाप का मरे अवस्था में दाह संस्कार भी नहीं कर सकती। क्या बेटी पैदा होती है तो माँ दर्द पीड़ा नहीं सहती, लेकिन जैसे गंगा घाट पे लोग पहुंचलन बाबू लास्ट में पंधारी भाव में कहना है, केरे रोवे तू ना हो बेटी बेटी कैली अग्नि दनावा बाबू के लस जाकर के बाबू वो पीड़ित परिवार न्याय मांगता है। किससे न्याय मांगता है? उस समय भी यही पीएम मोदी जी की सरकार थी। परिवार रोता है तड़पता है मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मेरे पिता को न्याय चाहिए, लेकिन बाहर ये मेरे सरकार न्याय नहीं दिलाया गया। न्याय कब दिलाया गया? नेता विधायक लोग यही कहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उप मंत्री लोग कब आपका साथ देंगे? जब वोट का समय होगा। कहना है क्या नेता लोग कहे कि जब ये वोट के समय आए तब ये बाबू के हुके सुनाई कहीं ले जाई हो, जरल बाप के अब के हुका करी है रखिया, जरल बाप के अब के हुका अरे करी है रखिया, तब बेटी कैली अग्नि दनवा बाबू के लसी। आया गया बाबू जा करके वो पीड़ित परिवार न्याय मांगता है। जगह जगह पर मेरे हिंदुस्तान के लोग धरना प्रदर्शन मचाने लगे, जुलूस निकालने लगे। परम सदे परम सम्मानित आप बड़े भाई फूलचंद कुरा की सरजमी से आप बड़े भाई की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का पुरस्कार बार बार पहलगी प्रामाशीर्वाद के कमना
सब भैया से पहल गीत नाम आशीर्वाद के कामना जा करके लोग धरना प्रदर्शन मचाने लगे, जुलूस निकालने लगे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी की लोग पुतला बना करके रोड पर जलाने लगे कि मेरे परिवार को न्याय चाहिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। लेकिन न्याय कब दिलाया गया बाबू? जब वोट का समय आया। कहना है क्या? गुरु बिहारी गुरुपत्तू छह बड़ी की अमर कहा बिरहा लिखते गंगा जय शंकर कवि रखे हिंद के पारी हो तिरंगा पहले तन के ओढ़ना हो तिरंगा पहले तन के ओढ़ना कहाँ वैसी मातर बापा की सतान में दंगा हो तिरंगा पहले तन के ओढ़ना हो तुम्हारा तुम्हारा